इस क्वेश्चन में भी अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने, फिर से मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे हम लोग। तो इक्वेशन है हमारे पास 3x² माइनस का 2√6 प्लस का 2√6x प्लस का 2=0। हम इसका मिडिल टर्म ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं 3x² माइनस का 6x माइनस का 6x प्लस 2=0। हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, √3 कॉमन ले सकते हैं, √3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा √3x माइनस √2। यहाँ से हम माइनस का √2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर ही बचेगा √3x माइनस का √2=0। फिर हम यहाँ से भी माइनस का √3x माइनस का √2 कॉमन लेंगे, और दूसरा भी यही बचेगा √3x माइनस का √2=0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी √2/√3, और यहाँ पे भी x की वैल्यू आ जाएगी √2/√3। वैसे अगर आप इसको देखें, एक और मेथड है, एक और मेथड और करके देख लीजिए, ये देखिए, तो ये √3x का होल स्क्वायर माइनस 2√3/√2x प्लस √2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है =0। यहाँ से ये डायरेक्टली फॉर्मूला बन जाएगा √3x माइनस के √2 का होल स्क्वायर =0। तो अगर अपन इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो √0 पे जाएगा, कोई वैल्यू फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये बचेगा √3x माइनस का √2=0, और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी √2/√3। यहाँ भी यही वैल्यू आ रही है, ऊपर भी सेम वैल्यू आ रही है, मतलब अपना आंसर बिल्कुल सही है।